I hope you guys are doing really very well. So my name is Sarun Kumar. I would like to welcome each one of you to the first vlog on our YouTube channel YT Vlog. So I am so much excited because of this one particular sort of fact that भैया आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं जॉर्जिया में. So it's currently somewhere around 10:14 in the morning and I'll be waiting for my brother Jatin Arora. He's about to come to pick me up at any point of time. और यहाँ ये बड़े-बड़े लोग अब आते हैं. क्या time हो रहा है अभी? भाई 11 बजने वाले हैं. अब अपनी हयाबुसा में डलेगा पेट्रोल. अपनी मंजिल पर कहाँ जॉर्ज एवरेस्ट. हम हो गए हैं थोड़े से लेट. अब देखते हैं जो हम व्यू देखना चाह रहे थे वो देखते हैं मिल पाता नहीं मिल पाता. 11 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है हमारे को देहरादून में. सोचो यार मेरे को लगता नहीं है कि भाई हम व्यू देख पाएंगे वो आप लोगों को दिखा पाएंगे. बट लेट्स सी आगे क्या होता है. मगर होप पूरी है. अब देखना अब इस अपनी हयाबुसा से ना घुटने टच कर देंगे. मैंने तो घुटने टच होते हैं फिर चलते हैं पता नहीं. मगर लेट्स सी. वैसे घुटने तो मैंने टच किए हैं बट वो तुम्हारे को ठीक से दिखा नहीं होगा क्योंकि ग्लिच हो जाता है ना कभी कभी. क्या करें भैया. तरुण भाई घर जाते सबसे पहले एक ही काम होगा. सबसे पहले लिखा जाएगा यूट्यूब को खत. और ये जो ग्लिच है ना यूट्यूब में इसको हटवाएंगे. मतलब पबजी का ग्लिच तो हटा नहीं हम इसका हटवा दे पर खत जरूर लिखेंगे यार. ठीक है भैया. फाइनली हम लोग हैं अभी लंबी धारोदे रूट पे और यहाँ का जो व्यू है वो भाई नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट लेवल मतलब मज़ा ही आ गया आज. और अभी हम लोग आपसे फाइनली वहीं जाके मिलेंगे लंबी धार में और वहाँ पे जाके कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं. फाइनली हम खड़े हैं लंबी धार माइंस कहते हैं इस जगह को. तो अभी हम इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और ये भैया बताएंगे हमारे को. इन भैया का नाम क्या है आपको. राहुल. राहुल नाम राहुल है. हाँ. पूरा रात को कैंप वैम्प होता है यहाँ पे. ट्रैक होता है. मेन माइंस आपको सामने दिख रही होगी वो है मेन माइंस. ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है. यहाँ पे सारे मजदूर रहते थे और कागजी कार्रवाई होती थी. ये पूरा लेंटर है. इसके नीचे सारे मजदूर रहते थे. अच्छा ये पूरा लेंटर दिखाना यार एक बार. ये पूरा लेंटर है. हाँ ये आगे तक इसके नीचे हॉल है लंबा. यहाँ सारे मजदूर रहते थे. मतलब कुछ आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता सकते हैं. अंग्रेज एक्सप्लॉइट करते थे इंडियंस को. मतलब यहाँ पे इंडियंस वर्कर्स थे सारे अंग्रेजों के टाइम पे. तो ये यहाँ पे माइनिंग होती थी. लाइमस्टोन है वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट अच्छा. मतलब लाइमस्टोन निकलता है जो मार्बल बनता है आपका. हाँ हाँ. वाला पत्थर यहाँ निकलता है. अच्छा. तो उसकी माइनिंग होती थी. तो क्या हुआ इनने पूरे पहाड़ पे डायनामाइट लगाई. डायनामाइट के नीचे लोग दब गए. जब उन्हें वो ब्लास्ट करा तो ब्लास्ट में लोग दब गए. 25,000 लोग तो वैसे मरे जो गूगल में. और बाकी जो 25,000 मरे वो हेल्थ हैजार्ड से मरे. जो अस्थमा अस्थमा की प्रॉब्लम आती है माइनिंग के दौरान उससे मरे. बाकी यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. बाकी यहाँ पे रिसर्च करने आए थे ईटीवी वाले. बाकी न्यूज़ 18 ये तो मतलब एक चीज़ मेरे को बताओ यार कि यहाँ पे कभी तुमने खुद ने कुछ ऐसा देखा है कि तुम्हारे को लगा हो. हमने देखा नहीं है बट हमने और लोगों को होते हुए देखा है क्योंकि और लोग करते हैं. अगर यहाँ पे एनर्जीज हैं पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं. अगर आप उन्हें कुछ नहीं छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे. बट अगर आप उन्हें प्रोवोक करोगे या उन्हें गाली गलौज करोगे तो वो आपको अपना रूप दिखा देते हैं. भाई इंसान भी करता है वही चीज. भाई है ना भाई तो वो इंसान ही है ना. वही तो बात मिलते हैं सर. ठीक है.
चलो भाई हम निकल गए अपना रोड की तरफ और देखते हैं हमारी हायाबुसा चढ़ पाती नहीं पकड़ पाती, बट रोड बहुत खराब है, बहुत बहुत। तो भाई मजा आ गया भाई यहाँ पर रुके, और यहाँ का हम एक सेपरेट ब्लॉग जरूर बनाएंगे ट्रैक करके, ट्रैक करके जो मजा है वो आपको एक्सपीरियंस पूरा करवाएंगे हम। ओ भाई गौ माता, गौ माता हमें कुछ नहीं आता। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। ये हायाबुसा भैया, तरुण भाई हायाबुसा है ये। भाई कार लाओगे तो 4x4 लेके आना, 2x2 चढ़ेगी बट बहुत ज्यादा मतलब टायर की साइज होगी बहुत ज्यादा। और उनसे पैसा ले लिया था भाई, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है पैसे के बिना कुछ नहीं, पैसे के बिना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एजरस की पीक पे, और अगर थोड़ी सी जॉर्ज एजरस की नॉलेज वाली बातें करी जाए, इसके बारे में बताया जाए, तो हमारे को बताएंगे हमारे तरुण भाई, जो बहुत रात भर इन्होंने भाई ने रिसर्च करी है इसके बारे में, देखते क्या रिसर्च करके लाए हैं। जिन्हें नहीं पता, जॉर्ज एवरेस्ट को पहले पार्क स्टेट कहा जाता था, इसे 1832 में बिल्ड किया गया था। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जिसे अभी कंस्ट्रक्ट कर रही है गवर्नमेंट 24 करोड़ के बजट के साथ, जो अभी हमने आपको उसमें दिखाया है। हाँ। जॉर्ज एवरेस्ट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट लोकेशन फॉर द सनराइज एंड द सनसेट, और मसूरी के गांधी चौक से ये 6 किलोमीटर पड़ता है, और टॉकिंग फ्रॉम द सिटी जहाँ से हम आए हैं वहाँ से 39 किलोमीटर है। जिन्हें नहीं पता सर जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे, उन्होंने ही हमारी कंट्री का नक्शा एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ उन्होंने ही इसको कंप्लीट किया था, और ये मसूरी के वेस्टर्न एज पे लोकेटेड है। That's it for the today. अरे वाह यार, मेरे को लग नहीं रहा था भाई तुमने इतनी करी होगी स्टडी वैसे, तो बढ़िया यार। चलो जो भी हमारे व्यूअर्स से पता लग गया होगा, वैसे जो भी तेरा तुमसे लड़के लड़के आते हैं ये सब इसी के लिए आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचा ली ये कर लिया होगा, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए हमारे हिसाब से। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से लेकर जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक को चढ़ने में हमें 500 मीटर का एक नॉर्मल ट्रैक लगा। जिन्हें नहीं पता अगर आप इस सेंटर प्लेस पे आओगे तो आपको देहरादून का पैनोरमिक व्यू भी मिलेगा, और आपको वहाँ से हिमालयन रेंज भी दिखेगी। पूरी दीवारें तोड़ दी हैं, अब इसको पूरा इस पर नया प्लस्तर किया जा रहा है, पूरा रेनोवेट हो रहा है ये, और मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। है तरुण भाई ये ओरिजिनल जंगले हैं पहले की, सब कुछ ओरिजिनल है ये चीज़ें, दीवारें देखो ये छोटी ईंट की दीवार हुआ करती थी, जो पहले जो जानते होंगे छोटी ईंट आया करती थी ऐसी ना, पतली ईंट होती थी ये बहुत मजबूत मानी जाती है, और ये जो अब की ईंटें जो आती है वो ऐसी होती हैं, ये पहली वाली जो ईंटें होती थी ऐसी हुआ करती थी, है ना, सही कह रहा हूँ भैया। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये हमने नई चीज़ देखी भाई, वाह 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 वाह। किस चीज़ से बनाया जा रहा है ये? सुर्खी है और चूना है और रेत, रेत है, गुड़ है, गुड़, मेथी और उड़द की दाल। अच्छा उड़द की दाल, इन सब चीज़ों में जैसे पुराने जो महाराजा राजा बनाया करते थे पहले का था उसमें वही लगाया। अच्छा वही लगाया जा रहा है, वही है जो तैयार हो गया इसका मसाला, ईंटें भी वही हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया साहब बहुत बढ़िया। टुडेज व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जिस लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगली वीडियो में कौन सी जाते हैं, जाके कौन सी जगह विजिट करें, और सब्सक्राइब करो फ्लैट से, एंड देयर इज अ स्पेशल मैसेज फॉर ईच ऑफ यू, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ थिंग। इतनी अच्छी ब्यूटी को यार तुम खराब कर रहे हो यार, सोचना चाहिए यार, हम मतलब मैं नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर बंदे की गलती है, ये सबकी गलती है, तो अगर आप लोग शुरू करोगे ये मत सोचो कि मैं ही क्यों करूँ, ये सोचना चाहिए कि यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देर इज अ स्पेशल थिंग, अब हर कोई ये सोचेगा मैं क्यों करूँ। देखो एक चीज़ होती है जो हमारे से स्टार्ट होती है, एक बंदा अगर स्टेप लेगा तो उसको देख के और लोग सीखेंगे। बिल्कुल सही बात भैया, था क्या इसमें?
मेरी पर्सनल पॉन थी यार सीरियसली। हाँ